अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज का जो व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस जगह पर खड़ा हूँ और क्या माहौल है। पहले मुझे पीछे से देख लो, आप लोग देख सकते हो अब गांव है और ये एरिया है जी कोटद्दू का। कोटद्दू में आया हूँ मैं और यहाँ पर आप देखो सुबह सुबह का वक्त है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना 6:50 हो रहे हैं और आप माहौल चेक करो, मौसम कितना प्यारा है और किस तरह खूबसूरत सुबह हुई हुई है, जो ये हम लोग सिटी में नहीं देख पाते इस तरह का माहौल और गांव के अंदर मिलता है। और यहाँ पर यार बहुत बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे तो हम लोग जब उठते हैं तो ऑलमोस्ट 11 होते हैं, 12 होते हैं। तो ये भाई हैं, इनके घर आए हुए हैं और वहाँ पर 12 होते हैं, 1 होते हैं, तब जाके आँख खुलती होती है। अगर कोई पढ़ाई के दिनों तो जाके हम लोग कोई उठते हैं जी 8 तक। लेकिन जो यहाँ का माहौल इस टाइम आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सुबह हुई हुई है माशाल्लाह। वहाँ पर हम लोग रह रहे थे अंदर, वहाँ पर सोए हुए थे और सुबह सुबह मैं उठा हूँ बिल्कुल फ्रेश होकर मैं बाहर निकला हूँ तो कितनी खूबसूरत सुबह थी। मैंने कहा यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या माहौल है यहाँ का। और जुमा भी है और घूमेंगे भी इधर पूरे गाँव के अंदर, अच्छी अच्छी जगह पर जाएंगे, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा व्लॉग होगा, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके यार चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो कुछ कर सकते हो कर दो ताकि इसको हम अच्छा से अच्छा और चैनल बनाएं। और इंशाल्लाह हमने अपनी कम्युनिटी को जल्द अज़ जल्द ग्रो करना है और जो आपकी बदौलत हो सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं आपसे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग रात रहे हैं और ये डेरा जहाँ पर हम अपने रात रहे हैं। इसकी वीडियो शीडो कोई ये हमारे जो है ना पार्टनर साथ सो रहे हैं, इनको ज़रा उठाएं तो सही भाईजान। सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, उठ जा। इस तरह का माहौल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है गांव में इस तरह की चीज़ें, गायें खड़े होती हैं और ये सब। और यहाँ पर ये देखो बाज बड़े लिए ख्याल करा है। अच्छा जी, वो ना हुए टक्कर तो भी पियो हुए तो खूबसूरत है, चेक कर सकते हो आप। कितना मंथ का है ये? तकरीबन 15-20 15-20 का है अभी, सिर्फ ये महीना भी नहीं हुआ। मैं कैमरा खोलना भूल गया हूँ। नाश्ते में है हमारे पास अंडा, चने, ये मक्खन, साग, दही, पराठे और ये सारे बंदे बैठे। तो हो गया है नाश्ता 10 और लस्सी भी थी, लस्सी नहीं मैं बता सका। तो नाश्ता 10, थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं और माहौल चेक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस एरिया को माशाल्लाह। यू चेक कर सकते हो यार, बहुत खूबसूरत वो सूरज निकला हुआ है हल्का हल्का और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वॉक। ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ये वहाँ पीछे हमें मिला और ये साथ साथ चल रहा है, पता नहीं क्यों। फिर हम लोग आए हैं यार अब गन्नों की तरफ, गन्ने यहाँ से खाने हैं और हमने बनाना है जूस इनका। सारे गन्ने लेने आए हैं, सारे निकले पड़े हैं, ऐसे ऐसे बकेट बने हुए हैं सबके। और यहाँ यार ये उठा लो ना बस, क्या तुम जोड़ते फिर रहे हो, ये बने पड़े हैं देखो, इसको उठाते हैं चलते हैं बस। यहाँ से जिसने भी आना है ना हमें देखना, इन्हीं गन्नों से सेटिंग हो जानी हमारी। दे यार आपने ही होना, दो दो दो, ओए हो, ओए तो बारी है वे खाने गिर गए मुझसे। मैंने अपने ऊपर से उतार दिया, उन्होंने लोगों को कड़ा दिया, बहुत बारी है भाई यार, ये तो पाँव में लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे डर लगता मुझे। ओए यार नहीं यार, वाह क्या सीन है यार। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये अब जो हमने गन्ने जो है ना ये इधर रखती हैं और इधर निकलेगा इनका रस, और ये प्रोसेस चल रहा है अभी, इसको सफाया किया गया, सफाया इसको सफाई की गई है। ये डल रहा है यहाँ पर गन्ना
और ये इसको ऐसे करके यूँ चलाएंगे और इधर से जो है ना इसका रस निकलता जाएगा नीचे से, और वो उधर से चला रहा है, मुझे ये निकल भी नहीं रहा। बंदा हमने चेंज कर दिया क्योंकि इससे नहीं हो रहा था, और दूसरे बंदे ने फ़ौरन से कर दिया। और जो है ना इस टाइम ये देख रहे हैं आप, गन्ने अंदर चला गया है और उसका रस भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये देसी काम हो रहा है जहाँ पर मशीन वाला काम नहीं है, और ये चलते हुए रुक गया। मैं कह भी रहा हूँ नीचे तो रखो कुछ। दी बर्गर्स पेंट शर्ट में बर्गर्स क्यों भागता फिर रहा है? तेरा बल्ला होए वो पीछे ओए जोर लग रहा है अच्छा बल्ला। तूने क्या कहा है? चल ही नहीं रही यार। मैंने तो निकलवा लिया गिलास और अभी और निकल रहा है, ये लगा हुआ है शहजादा, और हम इसको पीते हैं। फ्रेश फ्रेश जूस का अपना ही मज़ा। सब क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है और मैच ना खेलें ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ भी हमने मैच स्टार्ट कर दिया है, ये स्टार्ट हो गया, वो सामने खेल रहे हैं। हमारी है ये फ़िलहाल बॉलिंग, अब देखते हैं चार ओवर्स का मैच है, देखते हैं वो कितना हमें जो है टारगेट देते हैं, और फिर हमें उसको चेंज करना चेस करना होगा। सो मैच खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, इसको भी मिलते हैं आपसे। तो यार हमने मैच वगैरह खेल लिया, उन्होंने हमें बहुत सारा स्कोर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं बना नहीं सका, फिर नमाज का टाइम हो गया था, हमने नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं आया हूँ इधर फार्म के अंदर, हमारे दोस्त के ही, यानी कि उन्हीं का ही फार्म है, जिधर ये सारे वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसे बना रहा हूँ क्योंकि हमारे ब्लॉग के अंदर ये लाजमी है, और वैसे भी ईद अब रमज़ान होने वाला है, उसके बाद ईद आ जानी है, तो फिर हमने यही बहुत सारे जानवरों की वीडियोस हमने बनानी है। तो यार सारे वाइट वाइट खूबसूरत जानवर है ये, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दो बड़े हैं इनमें, बाकी छोटे थे, कौन सा बड़ा हो सकता है? मेरे ख्याल से आई थिंक ये वाला ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये ज़्यादा बड़ा है और बहुत गुस्से वाले हैं दोनों। अच्छा खैर अब मैं यहाँ करने लगा हूँ इस ब्लॉग को एंड। आज का दिन है, अब शाम हो चुकी है, अब रात भी होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, और पीछे आप माहौल आपको मैंने आज का दिन दिखाया है कि किस तरह से आज का दिन गुजरा है और हमने क्या क्या किया है। होप सो आपने इंजॉय किया होगा। इस तरह के और ब्लॉग आते रहेंगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कॉमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह के और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आज का दिन था, कल वापसी है, और फिर वापसी घर चले जाएँगे। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और कीप सपोर्टिंग।